मैं हूँ आयुषी और अब मैं जा रही हूँ रिव्यू करने वॉशिंग मशीन का। ये वॉशिंग मशीन मैंने ली है सैमसंग की। ये 6.5 केजी प्लस 1 केजी है, मतलब इन टोटल 7.5 केजी की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो बटन्स दिए हुए हैं ये अपर साइड में है, तो आप जब कपड़े धुलेंगे इसका मेन बेनिफिट है कि आपके बटन्स खराब नहीं होंगे। जनरली वैसे तो वॉशिंग मशीन्स में नहीं होते हैं, बट स्टिल ये इसके अंदर ये जो प्लास्टिक का कवर है इसके अंदर पानी चला जाता है, एयर चला जाता है, तो वो खराब होने लगती हैं। तो इसमें ये फायदा है कि ये अपर साइड है, तो आपके जो बटन्स हैं वो वॉशिंग मशीन के खराब नहीं होंगे। और ये 7.5 प्लस 1 केजी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो 1 केजी है ये इस तरह से खुलता है। इसको आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसे बंद हो गया, ये ऐसे करके यहाँ से प्रेस करेंगे और ऐसे करके ओपन हो जाएगा बहुत इजीली। ये 1 केजी का एक बकेट सा दिया हुआ है जिसमें आप जैसे कि शर्ट धुल रहे हैं, कोई भी ऐसा कपड़ा धुल रहे हैं जिसका कॉलर जैसे कि गंदा है, तो आप यहाँ पे रब करके उसको साफ कर सकते हैं। यहाँ साइड में वाटर जेट का एक बटन दिया हुआ है, आप इसे यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो यहाँ से पानी आएगा। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है पानी आने के लिए, यहाँ से पानी आएगा, आप इजिली उसे रब कर सकते हैं और इसके बाद से आप उसे धुल सकते हैं। इसका मैं आपको डेमो पूरा दिखाऊंगी वॉशिंग मशीन का एक बार चलाकर। और अंदर जो ड्रम है ये 6.5 केजी का है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने डबल बेड का ब्लैंकेट वॉश किया है, ईजिली इसमें ब्लैंकेट वॉश हो गया था जो हम विंटर्स में यूज करते हैं, और एसी ब्लैंकेट्स तो बहुत ईजिली आराम से हो जाते हैं डबल बेड के। इवन मैं आपको इसीलिए विंटर्स वाले कह रही हूँ क्योंकि इतना हैवी हो जाता है वो पानी आने के बाद, जब वो भीग जाता है तो बहुत हैवी हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से डबल बेड वाला भी हो गया था साफ। और इसके बाद से उसकी स्पिनिंग, और ऐसा नहीं कि वो ड्राई अच्छे से ना कर पाए, इतना हैवी अगर उसे कोई सामान दे दिया जाए तो वो इजिली हो गया। बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लैंकेट धुल रहे हैं तो आप इसमें एडिशनल कपड़े नहीं धुल सकते, ये एक काइंड ऑफ एक कॉन्स में आ जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रम है, ये जो ड्रम है, इस ड्रम की जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। इसमें जब आप कपड़े धुलेंगे तो आपके बटन्स जो हैं ये नहीं टूटेंगे, या कोई भी आप स्टोन वर्क वाले जो कपड़े होते हैं वो आपके खराब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, मेन मैं आपको कोई भी वॉशिंग मशीन, चाहे आप सैमसंग की लें, एलजी की लें, कोई भी लें, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का है इसमें, और मैं आपको कहूंगी कि आप प्लास्टिक का ही प्रेफर करें। अगर आपको स्टील बॉडी या फिर कॉपर बॉडी में मिल रहा है तो आप उसे ना लें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का बेस है ये पानी से खराब नहीं होता है। जो स्टील और या फिर कॉपर बेस्ड होता है वो पानी से खराब हो जाता है, उसमें जंग आ जाती है, गल जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप जब वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं तो आप ये जरूर चेक करें कि नीचे का जो बेस है वो प्लास्टिक का ही होना चाहिए। आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपको ये 1 केजी वाला जो पार्ट है, अगर आपको इसका यूज नहीं है तो ये इसमें आराम से लॉक हो जाता है, तो आप आराम से ऐसे खोल देंगे तो ये गिरेगा नहीं, आपको कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। इस वॉशिंग मशीन की जो कंप्रेसर की गारंटी है वो कंप्रेसर की जो गारंटी है वो 3 ईयर्स की है, और 10 ईयर की जो वारंटी है वो मोटर की है। इसमें बटन्स जो हैं, इसमें बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि वाटर लेवल है, एक्टिव वॉश आप करना चाहते हैं, या रिंस आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, या जैसे भी आप मोड्स आप सेट करना चाहते हैं। आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको लगता है कि इसे सोक करना चाहिए, जैसे ब्लैंकेट होता है या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसे हम ज़्यादा सोक करके धुलते हैं, तो आप उसके लिए आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी क्विक चाहिए, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कोई भी कौन सा मोड चूज करना चाहिए, तो आप फजी चूज कर सकते हैं। जीन्स का आपको अलग ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैंकेट के लिए ऑप्शन है, और जो डेलिकेट कपड़े हैं, बहुत ही नाजुक से और मुलायम से कपड़े हैं, आप डेलिकेट में ऑप्शन में आप धुल सकते हैं। तो इस तरह के मोड से आपको, वैसे ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से बस एक मोड सेलेक्ट करना है कि जैसे आपको सोक करवाना है या जो भी करवाना है, और बस आपको पावर ऑन करना है, सोक या जो भी आपको क्विक करना है आप क्विक पे क्लिक करेंगे और आप इसे स्टार्ट कर देंगे। हर चीज, वाटर लेवल, हर चीज ये खुद से सेट कर लेगा, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं।
आपको बस इतना करना है, आप अपने कपड़े डालेंगे, इसके अंदर अपना डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे, इसके बाद से आपको यहाँ पे टाइम शो कर देगा जितना भी इसको चाहिए होगा, और आपको आपके सूखे कपड़े मिलेंगे, मतलब फुली ड्राई नहीं होंगे, स्पेंड होंगे, ड्राइड होंगे, और आप उसे आराम से सुखा सकते हैं। पूरे साफ कपड़े मिलेंगे, मैंने इसमें काफी बार कपड़े धुले भी हैं, एकदम क्लीन वॉश होता है। और अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे घर का बैक साइड का एरिया है, सॉरी थोड़ा सा गंदा है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप वॉशिंग मशीन लेते हैं, जैसे थर्ड पार्टी से लेते हैं, क्रोमा से या कहीं से भी लेते हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन वो करके देंगे, इंस्टॉलेशन फ्री होती है। तो वॉशिंग मशीन के पीछे एक पाइप होता है जो कि एक वॉशिंग मशीन से कनेक्ट होता है और एक मेन टैप से कनेक्ट होता है। ये ड्रेनेज का पाइप है, इससे आपके जो गंदा पानी होगा सर्फ का होगा वो आपका चला जाएगा। ये मेरा वॉशरूम है, इसमें मैंने कर रखा है। अब मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ एक चादर धुल करके। ये एक कपड़ा है जिसे मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन के अंदर, और ये डिटर्जेंट डालने का सेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये डिस्पेंसर दिए हुए हैं। ये डिस्पेंसर इसलिए कि आप इसमें अपना डिटर्जेंट डालेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा इवेंटली आपके कपड़ों में सर्फ को। तो इसमें हम डिटर्जेंट डाल देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस आप बंद कर दीजिए। पावर बटन ऑन करना है आपको। सबसे पहले आपको कोई भी मोड सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सपोज कर लिया है क्विक। क्विक करने के बाद पॉज आपने स्टार्ट कर दिया, ये आपका खुद से ही सेंस कर लेगा और आपको यहाँ पे थोड़ी देर में टाइम शो कर देगा कि कितनी देर में आपका वॉशिंग मशीन कपड़े धुल देगा। वॉटर लेवल ही खुद से सेट करेगा, आप देख सकते हैं कि हर चीज वो डिटेक्ट कर रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 26 मिनट आपको शो कर रहा है। इसके बाद आपको एक सूखा कपड़ा मिलेगा साफ धुला हुआ। आपको आवाज आ रही होगी, इसमें पानी आ रहा है, पानी देखिए निकल रहा है। अब देखिए, अगर इस मशीन के मैं इसको खोल दूंगी तो यहाँ पानी बंद हो जाएगा। इससे एक चाइल्ड का सेफ्टी आप देख सकते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन तुरंत की तुरंत पॉज हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। इसमें पानी जा रहा था, सर्फ जा रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है, सपोज आपका ये जो कपड़ा है, सपोज ये जो आपका कपड़ा है, मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ से निकाल लिया। वाटर जेट का आप ऑप्शन दबा दीजिए, अब आपको यहाँ से पानी आएगा। अब सपोज मेरा ये पार्ट गंदा है, जैसे कि ये कॉलर है या कुछ भी है, आप यहाँ पे आपने इसे गीला किया, आप यहाँ पे इसे रब कर सकते हैं और ये आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अब यहाँ पे जैसे पानी है, अब इसे आप वॉशिंग मशीन में वापस डाल सकते हैं, इससे आपका पानी वेस्ट नहीं होगा। आप बस इसे ऐसे ऊपर कर दीजिए, सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा, और आप इसे अगेन यहाँ से ऐसे करके लॉक कर दीजिए और बंद कर दीजिए। अब आपका जो कपड़ा है वो 26 मिनट्स बाद मैं ऑफ कर दूँ, वैसे ही ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। अब आपकी वॉशिंग मशीन सेंस कर रही है और आपको यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा और आपका कपड़ा फिर धुला हुआ निकलेगा। थैंक यू गाइस। और ये जो वॉशिंग मशीन, मैं आपको बता सकती हूँ, फुली ऑटोमेटिक मशीन अगर आप लेते हैं, तो कोई भी अगर आप मशीन लेते हैं, तो आपका जो वर्कलोड है कपड़े धुलने का बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होगा। ईजी टू यूज मशीन है और सारा कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया हुआ है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और आप मोड्स अपने चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। बाय बाय। थैंक यू।